राहुल गांधी की न्याय यात्रा असम में घुसते ही कर दिया बड़ा दावा। बता दें कि राहुल गांधी की ये यात्रा असम में 8 दिन तक रहने वाली है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार शायद असम में ही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नागालैंड से असम में प्रवेश करने के तुरंत बाद गांधी ने सत्तारूढ़ बीजेपी और आरएसएस की जमकर आलोचना की। बीजेपी और आरएसएस पर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वे नफरत फैला रहे हैं और जनता का पैसा लूट रहे हैं। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने एक बार फिर मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां गृह युद्ध जैसा हालात है। गांधी ने शिवसागर जिले के अलवाटिंग में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार शायद असम में ही है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के मुद्दे को उठाएंगे। मणिपुर पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उस राज्य में गृह युद्ध जैसा स्थिति है। मैती समुदाय के अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के विरोध में पर्वतीय जिले में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजन किए जाने के बाद पिछले 3 साल को पहली बार झड़पें हुई थी। मणिपुर में मोइती लोगों की आबादी लगभग 53% और वे ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी नागा और कुकी समुदाय की आबादी 40% है। पर्वतीय जिलों में वो भी रहते हैं। इस पे मणिपुर में बहुत सारी बातें जो है राहुल गांधी ने कह डाली और इसको लेकर वहाँ पे अमित शाह ने भी अपनी यात्रा को लेकर के असम में 3 दिन तक रहने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है कि अब अमित शाह राहुल के पीछे पीछे ही चलने वाले हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।